हेलो। अरे दीपक, अरे मैं कह रहा हूँ, तू बहुत बाबू बाबू करता था ना, रात को 2-2 बजे लगा रहता था अपनी गर्लफ्रेंड से। भाई तेरी गर्लफ्रेंड किसी कलवे के साथ यहाँ आइसक्रीम खा रही है भाई। हाँ, अरे तेरी तेरी गर्लफ्रेंड की कसम, तेरी कसम यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तू गंजा हो जाए, तेरी गर्लफ्रेंड भी गंजी हो जाए। सच में वो कलवा सा है, एक आइसक्रीम पहले वो अपने मुंह में लगाता है, फिर उसके मुंह में वो लगाता है, ऐसे करके। भाई तेरा 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 तो चूतिया काट रहे हैं, वो सही बता रहा हूँ मैं। हाँ अब यार एक बार, तू इतना स्मार्ट सा, वो कलवा कैसे पसंद आ गया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। अरे तो माना कि तू गरीब है, ठीक है, लेकिन यार ये बात होगी, ऐसी गर्लफ्रेंड पटाता ही क्यों है यार, इससे तो अच्छा तू रड़वा रह ले, तो अच्छा रहेगा। चल ठीक है, मैं बताऊंगा तेरे को। हाँ ठीक है, चल ठीक है। हेलो। अरे भाई यार बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं कह रहा हूँ यार, मौसा जी ना मेरी शादी करा रहे हैं यार जबरदस्ती भाई, और उस लड़की से करा रहे हैं जिसको मैं कभी नहीं जानता। एक फोटो भेजी थी और उस पंकज को दिखा दी, वो वहीं बेहोश हो गया, इतनी तो काली सी है यार वो। हाँ अरे उसकी नाक ना, नाक ऐसे जैसे नीचे को टपकती रहती है यार, इतनी तो गंदी है यार वो, यार इससे शादी करा रहे हैं मेरी, और बोल रहे हैं एमए पास है वो। अब बताओ किसी एंगल से लगती है वो एमए पास होगी। हाँ भाई उसका नंबर दे दिया है, बाबू सोना मोना कर रही है यार, अभी से शादी से पहले कर रही है यार। भाई शादी के बाद क्या करेगी वो, और मैसेज में लिखती है, मैं हम शादी के बाद ना मनाली जाएंगे। अब बताओ यार मनाली जाने लायक उसकी शक्ल है ये बताओ। वो तो किसी झोंपड़ी में उसको बंद कर दो बस, और उसी झोंपड़ी में शादी के बाद उसी झोंपड़ी में रखो, इस लायक है वो यार। मौसा जी यार पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गए यार, क्या बिगाड़ दिया है मैंने पता नहीं उनका। माना कि मौसी उनको बेलन से मारती है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो यार ऐसे करेंगे मेरे साथ, अपनी गुस्सा मेरे पर उतारेंगे। हाँ मेरे, मैं बहुत परेशान हूँ भाई, बहुत फ्रस्ट्रेट होके दोस्तों के साथ घूमने आया हूँ अभी मैं। हाँ कॉल करती बाबू बोलती है यार, कॉल करती ऐसे बोलती है, बाबू हमारी शादी हो जाएगी, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। हेलो। अरे यार बाबू मैं तुम्हें बोल रहा था कि ये रात वाले मूली की सब्जी तुमने सुबह फ्राई करके खिला दी मेरे को, मैं ऑफिस में बैठा बैठा पाज रहा हूँ तुम्हें यार, ये बताओ। हाँ सारे ऑफिस वाले बोल रहे हैं ये क्या खा के आ गया तू, क्या खा गया तुम्हें यार, थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना। ऑफिस में जाता हूँ, अच्छी अच्छी लड़कियाँ होती हैं, अच्छे अच्छे सर हैं यहाँ पे, और बताओ मेरी रेपुटेशन क्या रहेगी इनके सामने, ऐसे करके पाज रहा हूँ मैं, ये बताओ। नहीं तुम तो पदौड़िया हो, तुम तो पातती रहती हो, उसका मतलब मुझे भी पातना है, ये क्यों खिलाए तुमने ये बताओ। तुम्हारे घर वालों ने यही सिखाया, तुम्हारी मम्मी ने यही सिखाया कि मूली, तुम्हें पता है कि मूली खा के ज्यादा पाद आता है फिर भी। चल फोन रख दो, बता रहा हूँ मैं, आके तेरे को इतना फिर बताऊंगा बाद में। पदौड़िया अभी रुक जा, मैं कहीं ऑफिस में हूँ अभी, ठीक है, अभी ऑफिस में बैठा हूँ मैं, ठीक है, मेरे बॉस बैठे हैं सामने, वो कुछ बोल रहे हैं मेरे को, तो अभी ऑफिस में बैठा हूँ, ठीक है मैं। नरेश। हाँ नरेश फाद मत मार यार, देख रहे हो बॉस कैसे चिल्ला रहे हैं मेरे को, गुस्सा कर रहे हैं यार, मेरी सैलरी काट लेंगे, वैसे ही 7,000 रुपये सैलरी मिलती है मुझे, फिर तुम मेकअप कहाँ से करोगी ये बताओ, बिना मेकअप के तो दिखती चुड़ैल सी हो तुम। हाँ ठीक है चलो।